Channel. Hope you all are fine. So this is a Sunday evening in the mountains और बारिश हो रही है. Actually मैं घर बैठी थी and I was getting so bored. Plan किया कि पास में एक कैफे है. अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो लास्ट में कैफे गई थी क्लिफिस कैफे, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू अ डिफरेंट कैफे. कोइस कैफे थोड़ा सा ही दूर है यहाँ पे, तो मैंने सोचा वहाँ जाके काम कर लेती हूँ बिकॉज मैं अभी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी. इससे पहले तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अभी बारिश थोड़ी कम हुई है तो सोचा कि थोड़ा सा काम कर लेती हूँ. फिर मुझे कुछ वेजिटेबल सब्जियाँ भी लेनी है तो वो भी ले लेंगे. तो यार अभी निकली हूँ, आई होप बारिश तेज़ ना हो. और आई गेस कि बारिश तेज़ हो रही है. तो ये कैफे हाफ किलोमीटर्स दूर है मेरे घर से. बारिश हुई है तो सब इतना मिस्टी और इतना ग्रीन लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. तो रास्ते में ये छोटा सा मंदिर आता है हनुमान जी का, जय हनुमान जी. वो रहा कॉइस कैफे. आई गेस बहुत क्राउडेड है, इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं आगे. मेरा स्लो चल रहा होगा. क्या आई हैव रीच एंड टुक अ सीट आउटसाइड. अंदर थोड़ा पैक था सो आई हैव टेकन सीट आउटसाइड और इट्स रेनिंग अगेन. तो बाहर बैठ के आई एम वर्किंग और साथ साथ बारिश का मज़ा. Here my coffee comes. अभी भी तेज़ हो रही है और अभी भूख लग रही है तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के कुछ खाते हैं. बाहर काफ़ी देर से बैठी थी और अभी आई ऑर्डर सम फूड फॉर माई सेल्फ. एक रैप ऑर्डर किया है एंड यस वेटिंग फॉर माई फूड. एक्चुअली आज मैंने दिन में कुछ खाया भी नहीं है. दिस इज द कैफे फ्रॉम इनसाइड. सो दिस कैफे सर्व्स फ्रेश ब्रूड कॉफी फ्रॉम द बेस्ट सोर्स्ड बीन्स. एंड हिमाचल में बहुत ही कम कैफेज हैं, एक या दो हैं जहाँ पर फ्रेश ब्रूड कॉफी आपको मिलेगी. एंड ही इज द ऑनर ऑफ दिस कैफे. And we serve specialty coffee. We serve a lot of cold coffee recipes, yeah. International coffee recipes, yeah. Hot recipes of course. Our beans are very fresh and are roasted by the best roasters in India. Okay. Apart from this, you know, we serve fresh homemade bakes. Okay. So our bakes are gluten free. They okay. are prepared at home. We do not outsource them from anywhere. And then we serve continental food. Pan-Asian and Indian. Okay. So what's your name, sir? I'm Nishant. Nishant. Yes. Okay, sir. Thank you so much. It was a pleasure having you. Thank you so much. Thank you.
मेरा ऑर्डर भी आ गया है. आई ऑर्डर्ड मशरूम रैप्स. तो यहाँ पे इनकी होटल्स भी अवेलेबल हैं. दीज आर द होटल रूम्स. और यहाँ पे एक और कैफ़े है. सो या दिस इज़ अ वेरी नाइस कैफ़े. यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर फूड एंड ऑफ कोर्स फॉर द कॉफ़ी. यू आई हाईली रिकमेंड इफ यू आर इन पालमपुर और बुंदला और मे बी अराउंड द सिटी यू कैन कम टू दिस कैफ़े एंड यू विल एंजॉय बेस्ट ऑफ द फूड्स एंड बेस्ट ऑफ द कॉफ़ी फॉर श्योर. तो अभी काफ़ी टाइम हो गया. अभी निकलती हूँ मैं घर के लिए. मौसम भी थोड़ा क्लियर लग रहा है अब. से निकल गई हूँ और अभी वेदर बहुत चेंज हो गया है. इट वॉज रेनिंग वेन आई केम हेयर एंड अभी धूप निकल गई है हल्की हल्की. तो अभी वापस जाते हुए मुझे कुछ वेजिटेबल्स लेनी है, कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करनी है. ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है, मतलब थोड़ा बहुत सामान लेना है. आई एम गोइंग दिल्ली डे आफ्टर टुमोरो. 3 से 4 दिन के लिए जा रही हूँ. आई हैव सम वर्क देयर. तो थोड़ी सब्जी लेनी है. तो आराम से चलते हैं. और वेदर बहुत प्यारा हो गया यार, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया. हेलो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है इसका? उसमें से जो पहला कट आता है मैंने वो ले लिया है. पीछे से जाऊंगी तो मार्केट आ जाएगी. नॉट मार्केट, शॉप्स है वहाँ पे ग्रॉसरी की, सब्जी की. और फिर वही कैफ़े आ जाएगा घूम फिर के, क्लिफिस कैफ़े, क्योंकि मेरे घर के पास वही पड़ता है. तो हम उसी रोड पे जा रही हूँ अभी. हम अपने घर से डायरेक्ट कट ना लेते हुए एक बीच में से डिवाइडर रोड आती है, तो मैंने वो कट ले लिया क्योंकि मुझे लेनी है सब्जी. ये रास्ते इतने ज़्यादा सुंदर है ना, इतने ज़्यादा. ऊपर से वेदर जब ऐसा हो जाता है तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं और वॉक करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है. तो चलते चलते ये कुछ शॉप्स आ जाती हैं. यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है, बट सब्जी के लिए थोड़ा सा और आगे जाना है. रही शॉप, यहाँ से लेते हैं कुछ सब्जी बिकॉज मुझे अभी और कोई शॉप तो दिखी नहीं है. इन आंटी की शॉप पे मैं आ रखी हूँ 2 से 3 बार. सब्जी सही मिले बस. और जिस बात का डर था वही हुआ, सब्जियाँ बिल्कुल फ्रेश नहीं है. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बासी हैं. यहाँ तो सब्जी नहीं मिली मुझे फ्रेश. तो अभी मैं जा रही हूँ आगे की साइड. आगे नहीं, उल्टा जा रही हूँ. मतलब मुझे अभी फिर दोबारा उल्टा जाना पड़ रहा है. पहले तो मैं उल्टा आई हूँ, अभी मुझे फिर उल्टा जाना पड़ रहा है. थोड़ा पीछे की साइड वहाँ पे शॉप्स हैं. मुझे इस साइड आना पड़ रहा है अगेन. जिस रास्ते से आई हूँ वहीं वापस जाना पड़ रहा है. से आई थी ना, अब मुझे फिर यहीं जाना पड़ रहा है क्योंकि उस पीछे एक ही शॉप थी और वो वहाँ पर तो बिल्कुल काम की सब्ज़ियाँ नहीं थी. बिल्कुल गली बड़ी थी लिटरली. तो एक शॉप दिखी है, पहले देख लेती हूँ यहाँ सब्ज़ी. और ये मिली है सब्जी मुझे ओनली प्याज. छोटी सी शॉप थी. पुराना वाला घर. सो वेदर अगेन एकदम से चेंज हो गया है, एकदम से बारिश वाला हो गया फिर से वेदर. तो जल्दी से घर पहुंचते हैं. एंड सब्जियों के नाम पे आई जस्ट गॉट प्याज अनियन, दैट्स इट. क्योंकि बाकी की जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो फ्रेश काउज हैं, वो पीछे पड़ जाती हैं, मारती हैं और मेरे को बहुत डर लग रहा है अभी. तो ये गाय है शायद, ये गाय मारती है, पता नहीं ये है या कोई और है. यहाँ पे एक गाय है जो मारती है लिटरली. तो यहाँ पे एक गाय ने काफी ओल्ड एज आंटी को मारा है लिटरली. तो सच में बहुत डर लगता है मुझे यहाँ गाय से.
और मैं तो इनके पीछे पीछे ही जा रही हूँ और मेरा घर आने वाला है बस। चिला सूजी एंड बेसन का, आई नो सब ये ब्रेकफास्ट में खाते हैं और मैं खा रही हूँ इसको डिनर में, क्योंकि इसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं अब आके आटा करूँ देन सब्जी बनाऊँ, तो कल मॉर्निंग में करूँगी आटा या सब्जी वो भी बनानी होगी, बट आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो जब मैं कैफे से आई थी तो सब्जी ली, देन मैं घर आई, सामने आंटी के साथ बैठी और थोड़ी देर बैठी बातें करी, अभी मैं डिनर बना रही हूँ, उसके बाद आई ईट माई डिनर। फिलहाल मैं एक सीरीज़ देख रही हूँ नेटफ्लिक्स पे, रिवर डेल, वो देखूँगी, और बीच में मैंने एक मूवी भी देखी थी विच इज़ नाउ यू सी मी, भी अच्छी है, तो मुझे अभी सेकंड पार्ट देखना है उसका, शायद आज मैं वो देखूँ, तो शायद बहुत लोगों ने वो मूवी देखी होगी नाउ यू सी मी, बहुत अच्छी मूवी है, मुझे भी किसी के थ्रू पता लगा, तो कमेंट में बता सकते हो कि आपने ये मूवी देखी है या नहीं देखी है, बट अगर नहीं देखी है तो यू शुड वॉच इट, यू मस्ट वॉच इट।